हेलो क्लास थ्री स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नाइन द अदर साइड ऑफ द वॉल सो कम एंड लेट्स स्टार्ट इट कॉम्प्रीहेंशन में आपका ए पार्ट है मैच दिस कॉलम टू कंप्लीट दिस द सेंटेंसेस ये आपके जो है नंबर फाइव तक कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपको यहाँ पर ए से ई तक के अल्फाबेट के सेंटेंस के साथ आपको मैच करना है तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है आयशा वॉस नंबर वन पर है आयशा वॉस सम वन डी पर यहाँ पर आप इसको मैच करिए हु लव फ्लावर्स एंड प्लांट्स। नंबर टू आयशा ग्रैंड मदर टॉट हर टू केयर फॉर प्लांट आयशा वॉन्टेड टू सी द्लांट ब्लूम इन हर गार्डन द वॉल वॉज कवर्ड इन ब्यूटीफुल ग्रीन लीव्स

Aisha loved plants and flowers she took care of her garden just as her grandmother had taught her so the garden was very dear to her i am repeated Aisha loved plants and flowers she took care of her garden just as her grandmother had taught her सो द गार्डन वज वेरी डियर टू हर मतलब ऐशा को प्लांट्स और फ्लावर्स से बहुत प्यार था वो अपने गार्डन की देखभाल बिल्कुल वैसे ही करती थी जैसे कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको सिखाया था इसलिए वो अपने वो गार्डन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था या वो अपने गार्डन को बहुत प्यार करती थी क्वेश्चन नंबर टू है वॉट वॉज आयशा वॉन्ट ड्रिंग अबाउट शी शीस्टर इन हर गार्डन आंसर ऐशा स्टैंड इन हर गार्डन एंड वंडर्स वॉट टू डू अबाउट द प्लान दैट डज नॉट सीम टू बी फ्लारिंग ऐशा अपने गार्डन में खड़ी थी और ये देख के जो है आश्चर्य कर रही थी कि मैं इस प्लान के साथ क्या करूँ और कैसे इसकी देखभाल करूँ जिससे कि इसमें फ्लावर्स आ सके क्योंकि उसमें कोई भी फ्लार नहीं आ रहे थे क्वेश्चन नंबर थ्री वॉय वॉज द ओल्ड मैन अनेबल टू लीव हिज होम फॉर मैनी वीक्स आंसर नोट करिए द ओल्ड मैन वॉज अनएबल टू लीव हिज हाउस बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट जो ओल्ड मैन थे वो अपने घर को मतलब काफ़ी दिन से वो अपने घर के बाहर नहीं निकल पाए थे क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था क्वेश्चन नंबर फोर वेअर डिड द फ्लार्स ब्लूम जो फ्लार्स थे वो कहाँ खिले हुए थे तो आंसर नोट करिए शा सॉ दैट ऑन दर साइड ऑफ द वॉल द प्लांट वॉज फिल्ड विद द ब्लूम्स शी हैड सीन इन द पिक्चर जब आयशा ने वॉल के दूसरी साइड पर देखा तो उसने पाया कि जो प्लांट है वो फूलों से भरा हुआ था जो कि उसने उस पिक्चर में देखा था जैसा फ्लावर्स उसने उस पिक्चर में देखा था शॉप पर वैसा ही फ्लावर उसने वॉल के दूसरे साइड पर देखा था सी पार्ट आपका है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर वन शी हैिटी एंड ब्राइट फ्लावर्स बिफोर उसने इतने प्यारे और इतने चमकीले फ्लावर्स इसके पहले नहीं देखे थे जिसमें आपका क्वेश्चन वन है वेयर डिड शी सी द फ्लॉर्स उसने फ्लावर्स कहाँ देखे थे तो आंसर नोट करिए सी शो द फ्लावर्स इन अ शॉप उसने वो फ्लावर्स जो है एक शॉप में देखे थे जो प्लांट बेचते थे क्वेश्चन uh, बी है वॉज शी एबल टू टच एंड स्मेल द फ्लावर्स वाई क्या वो उन फ्लावर्स को टच करने और स्मेल करने में समर्थ थी ऐसा क्यों आंसर नो शी वॉज नॉट एबल टू टच एंड स्मेल द फ्लार्स बिकॉज इट वॉज इन अ पिक्चर नहीं वो फ्लावर्स को टच करने में और स्मेल करने में एबल नहीं थी समर्थ नहीं थी क्योंकि जो फ्लावर्स थे वो एक पिक्चर में थे सेकेंड सेंटेंस से थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये किसने कहा था जिसमें कि क्वेश्चन आपका बनता है हु सेट दिस वर्ड्स ये वर्ड किसने कहे थे तो इसका आंसर नोट करिए कॉपी में एन ओल्ड मैन सेट दिस वर्ड एक ओल्ड आदमी ने ये वर्ड कहे थे क्वेश्चन टू है स्पीकर थैंकिंग वाई जो वक्ता धन्यवाद कह रहा है वो कौन था और उसने ऐसा क्यों कहा था आंसर आयशाज नेबर हु Was an old man, was a speaker, thanking because he has been unable to leave his house because of an accident, and the sight of the flowers has been cheering his up every day. So, students. आयशा के नेबर जो कि एक ओल्ड मैन थे एक बूढ़े आदमी थे वो ही वो वक्ता थे जिन्होंने धन्यवाद कहा था और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो एक एक्सीडेंट काफी टाइम से अपने घर के बाहर नहीं निकले थे एक एक्सीडेंट की वजह से तो जब उन्होंने वो उन फ्लावर्स देखे थे फ्लावर्स जो है बिल्कुल भरे भरे खिले हुए फ्लावर्स देखे थे तो, तो उनको देख के वो बहुत खुश होते थे वो उनके चेहरे पर खुशी ला देता था वोकेबलरी में ई पार्ट है कलर द वर्ड्स दैट हैव द डबल ओ और डबल ई साउंड पे अटेंशन टू द स्पेलिंग एंड प्रोनाशिएशन कुछ ये फ्लावर्स बना के दिए गए हैं जिसमें कुछ वर्ड्स हैं तो इसमें आपको डबल ओ और डबल ई e वाले वर्ड्स आपको चूज कर करके उनको कलर करना है जिससे कि वो आपको पता चले हाँ कि ये डबल ओ या डबल ई e के वर्ड के ल्फेट के वर्ड्स हैं लाइक दिस ओके सो स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नाइन द अदर साइड ऑफ द वॉल क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं सॉरी ये चैप्टर मैंने मिस कर दिया था जो कि मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपने उसकी लिंक डाल दूँगी सो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच बाय